नमस्कार, भारत का भूगोल इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं एमए उत्तरार्ध के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। पिछले कई वीडियोस से हम भारत के भौतिक स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने उन आधारभूत संकल्पनाओं को समझा जिनके आधार पर भारत को विभिन्न भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। उसी कड़ी में आज हम भारत के तटीय प्रदेश के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था आपको, समग्र रूप से पूरे भारत को हम मुख्यतः पांच भौतिक भागों में बांटते हैं, जिसमें प्रमुख है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, जो कि पामीर की गांठ से लेकर मिजोरम पहाड़ियों तक विस्तारित है। फिर गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी द्वारा निर्मित विशाल मैदान, जिसे वर्तमान में गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी कैटेगरी में हमने बात की थी प्रायद्वीपीय पठारी भाग की। अगली कैटेगरी है तटीय प्रदेश और एक विशाल थार मरुस्थल। तटीय प्रदेश से आशय भारत के उस भूभाग से है जो क्रमशः पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी द्वारा आबद्ध है। आज के इस वीडियो में हम इस तटीय प्रदेश की प्रमुख विशेषताओं, इसके प्रमुख उपभागों एवं यहाँ की भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत को समझने का प्रयास करेंगे। मैं डॉक्टर हेमंत मंगल, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। यदि हम तटीय प्रदेश की बात करें तो दक्षिणी पठार के दक्षिणी सिरा, जो हमारा प्रायद्वीपी भारत भाग है, उसका जो दक्षिणी सिरा है उसके दोनों पूर्वी और पश्चिमी दोनों सिरों पर सतत समुद्री अपरदनकारी क्रियाओं से जो विशाल मैदान निर्मित हुए हैं, उन विशाल मैदानों को ही तटीय प्रदेशों के नाम से जाना जाता है। दिशाओं के आधार पर हम इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। भाई, जो दक्षिणी प्रायद्वीप पठार भाग है उसका जो सुदूर दक्षिणी सिरा है उसके दोनों तरफ, पूर्वी दिशा की तरफ और पश्चिमी दिशा की तरफ, इन दोनों भागों को हम तटीय प्रदेशों के नाम से जानते हैं। और दिशाओं के आधार पर इसके दो उपभाग हैं, एक तो पूर्वी तटीय प्रदेश, एक पश्चिमी तटीय प्रदेश। जैसे इस मानचित्र से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि एक तो पूर्व की तरफ हमारा भाग है जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्रा से तटवर्ती भागों में, दूसरा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल के तटीय भागों तक विस्तारित है। ये वाला पूर्वी तटीय भाग और इधर वाला पश्चिम तटीय भाग। मैंने प्रारंभ में बताया दिशाओं के आधार पर हम इन्हें दो भागों में बांटते हैं, पूर्वी तटीय मैदान और दूसरा पश्चिम तटीय मैदान। सबसे पहले पूर्वी तटीय की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम पश्चिम तटीय मैदान के बारे में बात करेंगे। अब इस मानचित्र द्वारा इसको मैं और थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। वैसे पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान को हम कोरोमंडल और अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन राज्य अनुसार इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो जो उसका उड़ीसा वाला भाग है उसे हम उत्कल मैदान के नाम से जानते हैं और शेष भाग को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। यदि हम पश्चिम तटीय मैदान की बात करें तो गुजरात तट से प्रारंभ होता है उसे हम गुजरात मैदान के नाम से जानते हैं। उसके बाद गुजरात तट के नीचे महाराष्ट्र से लेकर नीचे तक आ रहा है उसे हम बोलते हैं कोंकण मैदान के नाम से।
उसके बाद कन्नड़ प्लेन के नाम से भी जानते हैं, और लास्ट में जो केरल वाला हिस्सा है उसे हम मलाबार तट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले पूर्वी तटीय मैदान, गंगा नदी के मुहाने से कुमारी अंतरी तक फैला मैदानी भाग पूर्वी तटीय मैदानी भाग कहलाता है। अब यहाँ पर मैं रुककर एक छोटी सी आपकी कंपटीशन से संबंधी बात जुड़ी बात करना चाहता हूँ। एक होता मुहाना, जिसमें एस्चुरी, एक होता डेल्टा। कई कम्पिटिटिव एग्जाम में यह डिटेल क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट यू मीन बाय एस्चुरी, मुहाना जिसे बोलते हैं, और व्हाट यू मीन बाय डेल्टा। आप इसका बेसिक अंतर समझिए, जब नदी अपने अंतिम प्रौढ़ावस्था में समुद्र के पानी से मिलती है तो जब ढाल बिल्कुल कम हो, कोई पहाड़ी भाग नहीं हो, तो उसका प्रवाह अत्यंत मंद हो जाता है, संपूर्ण भाग दलदली और जल भराव युक्त हो जाता है, उसे डेल्टा की संज्ञा दी जाती है। जबकि जो पश्चिमी मैदानी भाग है वहाँ पर क्या है, पहाड़ी भाग है, तो जो पश्चिमी मैदानी भाग है वो तुलनात्मक सकड़ा भी है। इन पहाड़ी भागों से जो नदियाँ निकलती हैं वो तीव्र भाप प्रवाहिनी होती है, तो समुद्र से जब उनका मिलन होता है तो वो डेल्टा की बजाय जो रचना बनाती है उसे बोलते हैं मुहाना या एस्चुरी। तो जो पूर्वी तटीय भाग है इसे हम कोरोमंडल तट के नाम से भी जानते हैं। मैंने प्रारंभ में बताया था राज्य के आधार पर इसको उत्कल मैदान या अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन समग्र रूप से ये पूरा मैदान है कोरोमंडल तट। इस मैदान का ऊपरी भाग है वो नदियों के ऊपरी मार्ग में स्थित है, और वहीं जो निचला भाग है वो डेल्टाई भाग में स्थित है। क्यों? प्रारंभिक तौर पे तो क्या होता है, नदियाँ तीव्र प्रवाहिनी होती हैं, अवसाद की मात्रा कम होती है, तो डेल्टा नहीं बनता। जैसे जैसे ये दक्षिण सिरे पर आती हैं, बहुत अधिक अवसादों के कारण प्रवाह अत्यंत कम हो जाता है, और प्रवाह कम होने के कारण क्या करती है, ये डेल्टाओं का निर्माण करती है। इस मानचित्र में देखो क्लियर दिख रहा है आपको इस काले रंग से कि साहब ये आपका डेल्टाई भाग है जिसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। यह मूलतः उड़ीसा, कुछ हद तक पश्चिम बंगाल, नीचे तमिलनाडु के तटीय भागों तक विस्तारित है। यह पूरा भाग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन या पूर्वी तटीय मैदानी भाग के नाम से जाना जाता है। समुद्र के निकटवर्ती भागों में बालू मृदा के जमाव से दो प्रकार की झीलें बनी हैं, एक तो चिल्का, एक पुलिकट लेक। ये बेसिकली बैक वाटर लेक है, ज्वार के समय जो पानी अंदर आ जाता है, फिर विभिन्न भूगर्भीय क्रियाओं को भूगर्भ का भाग ऊँचा हो गया तो वहाँ पर झील बन गई, तो पुलिकट झील उस प्रकार की झील है। चिल्का झील मूलतः उड़ीसा में है, बहुत सारे प्रवासी पक्षी यहाँ पर निवास करते हैं। मैंने प्रारंभ बताया पूरा तटीय भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, मध्य भाग को काकीनाडा और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। कंपटीशन में अक्सर ये सवाल आ जाता है कि पूर्वी तटीय मैदानों को कितने उपभागों में बांटा जाता है, तो याद रखिएगा तीन भाग हैं। उत्तरी भाग तो उत्तरी सरकार, मध्य भाग है उसे बोलते हैं काकीनाडा, और जो सुदूर दक्षिणी भाग है उसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। संपूर्ण पूर्वी मैदानी भाग की औसत चौड़ाई 240 किलोमीटर है, जो कि पश्चिमी भाग की तुलना में ज़्यादा है। ये भी कंपटीशन में सवाल आ जाता है कि पूर्वी और पश्चिमी भागों के मैदानी भागों में प्रमुख अंतर क्या है, वो चौड़ाई का अंतर है। इन चित्रों की सहायता से इन्हीं के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया है। दूसरा है पश्चिम तटीय मैदान।
मैंने शुरू में बताया गुजरात से लेकर केरल राज्य तक विस्तारित है पश्चिम तटीय तट। ये पश्चिम तटीय मैदान खंबात की खाड़ी से कुमार अंतरीप तक विस्तारित है। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 65 किलोमीटर है। आमतौर पर इसकी चौड़ाई 60 से लेकर 84 किलोमीटर है। इस भाग में बहने वाली नदियाँ छोटी एवं तीव्र प्रवाह वाली है। चूँकि नदियों का प्रवाह तीव्र है इसलिए मृदा का जमाव तुलनात्मक कम होता है। अब चूँकि मृदा का जमाव कम हो पाता है, एक तो ये नदियाँ बनाती है मुहाने, दूसरे इनके मैदानों की चौड़ाई भी कम होती है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया। इसका जो दक्षिणी भाग है जिसे मूलतः मलाबार तट के नाम से भी जाना जाता है, केरल का हिस्सा है, अपने मसालों और बागाती कृषि के लिए मशहूर है। साथ ही ये मशहूर है लैगून्स के लिए। लैगून्स भी मूलतः है बेक वाटर लेक है, वह जल जो समुद्र के ज्वार के समय तो बाहर आ गया, बाद में भूगर्भ विभाग ऊँचा हो गया तो वहाँ पर विशाल झीलें बन गई। ऐसी सैकड़ों लैगून्स मलाबार तट के सारे हैं। जो हमारा मशहूर कोचीन बंदरगाह है वह भी ऐसी ही लैगून के सहारे है। संपूर्ण पश्चिम तटीय मैदान में आर्द्र सम जलवायु, अत्यंत उपजाऊ मृदा, इस कारण यह सघन जनसंख्या जमा एवं अत्यंत कृषि संबंध प्रदेश है। एक कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि साहब उत्तरी तट के सहारे कौन से द्वीप हैं या पश्चिमी तट के सहारे कौन से द्वीप हैं, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप की क्या लोकेशन है। तो आप इनके बारे में ज़रूर समझिएगा, कंपटीशन में इनसे संबंधित सवाल अक्सर आते हैं। यदि हम महत्व की बात करें, मैंने प्रारंभ में कहा था तटीय प्रदेशों का भारत के अन्य भौतिक भागों के समान ही महत्व है, या मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि मैं कहूँ कि कुछ चीज़ों में तटीय प्रदेश भारत की रीढ़ की हड्डी है। दोनों ही भाग अपनी प्रचुर बागाती कृषि के लिए मशहूर हैं। विशेषकर हमारा जो पश्चिम तटीय प्रदेश है वह बागाती कृषि के लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। यदि बात करें हम गोदावरी और कावेरी बेसिन की, पूर्वी तटीय मैदान की, तो वर्तमान में इन नदी बेसिनों में प्रचुर मात्रा में खनिज तेल की मौजूदगी के सबूत मिले, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इन दोनों ही घाटों पर चाय और कॉफ़ी के बागान अवस्थित हैं। यदि हम दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से बात करें और नीचे तक नीलगिरी की पहाड़ियों और तमिलनाडु तक चाय और कॉफ़ी के बागान हैं, ऊटी के मैदान हैं। मालाबार और पूर्वी तटीय मैदान प्रमुख मत्स्य उत्पादन केंद्र हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़, केरल का जो तट है वह आणविक खनिज मोनोजॉइट के कारण बहुत मशहूर है। जिस प्रकार यूरेनियम और रेडियम है उसी प्रकार मोनोजॉइट का भी अपना महत्व है। यद्यपि अभी हमने ऐसी तकनीक डेवलप नहीं की है लेकिन मोनोजॉइट का बहुत ज़्यादा महत्व है। और आपको जानकर ये और भी ज़्यादा आश्चर्य होगा, कंपटीशन के हिसाब से मोनोजॉइट के जो अयस्क है इसके जमाव या तो श्रीलंका या फिर केरल के तट पर ही मिलते हैं। ये कुछ चित्र हैं। दोनों तटों पर उपजाऊ मृदा के जमाव हैं। दोनों तटों पर चावल एवं अन्य फसलों का प्रचुर उत्पादन है। दोनों तटों पर नारियल, काजू, सुपारी, गरम मसाले, रबर के बड़े बड़े बागान हैं। कई प्रमुख बंदरगाह जैसे कोचीन, विशाखापट्टनम, मार्मगांव, हल्दिया, पश्चिम बंगाल, मुंबई, इन दोनों तटों के सहारे ही हैं। इन बंदरगाहों के कारण ही
ये बंदरगाह वस्तुतः भारत की आर्थिक रीढ़ है। धन्यवाद।